यूपी के अलग अलग हिस्सों, खासतौर पर एनसीआर क्षेत्र में लिफ्ट में होने वाली दुर्घटनाओं में अब जवाबदेही तय हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जल्दी यूपी में पहला लिफ्ट एक्ट लागू होगा। इसके फाइनल ड्राफ्ट को लेकर तैयारी चल रही है। इसके प्रावधानों को तय कर लिया गया है। 15 से 20 दिन में फाइनल ड्राफ्ट सामने आ जाएगी। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसे भेज दिया जाएगा। कई प्रदेशों के लिफ्ट एक्ट अध्ययन करने के बाद इसे तैयार किया जा रहा है, जिसमें हाउसिंग सोसाइटी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA और लिफ्ट की वार्षिक मेंटेनेंस AMC की जिम्मेदारी लेने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय करने का प्रावधान रखा गया है। दरअसल कुछ समय में से लिफ्ट में दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें ज्यादातर मामलों में मेंटेनेंस में लापरवाही और नियमों का पालन न होने की बात सामने आई है। काफी समय से लिफ्ट एक्ट की मांग की जा रही है। नए ड्राफ्ट के अनुसार दुर्घटना होने पर 1 लाख का जुर्माना और मुआवजे का प्रावधान होगा। ये भवन या प्रतिष्ठान के मालिक को देना होगा। दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे मुआवजा देने की जिम्मेदारी बिल्डिंग या मॉल या भवन जिसमें लिफ्ट लगा है के मालिक की होगी। इसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात भी की जा रही है। साथ ही ये देखा गया है कि लिफ्ट में दुर्घटनाओं की वजह इसकी मेंटेनेंस होती है। ऐसे में हाउसिंग सोसाइटीज की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA को जवाबदेही बनाया जाएगा। जो एजेंसी AMC करते हैं उनको त्वरित रिस्पॉन्स करना होगा और कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं ये बताना होगा। लिफ्ट एक्ट तैयार करने वाले ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता का कहना है, जो सार्वजनिक स्थानों पर लिफ्ट लगी होती है उसमें ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। ह्यूमन लाइफ या एनिमल लाइफ का नुकसान होने पर मुआवजा देना होगा। हर लिफ्ट में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस लगाना भी जरूरी होगा। खास बात यह है कि जो नए बिल्डिंग या भवन बनेंगे या जहां भी लिफ्ट होगा वहां तो ये लागू होगा ही। पहले से जो लिफ्ट हैं उनको भी इस एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। अपर प्रमुख सचिव ऊर्जा महेश गुप्ता बताते हैं कि पहले से काम कर रहे लिफ्ट के लिए 6 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और उसके बाद इसे अपग्रेड करने के लिए 1.5 साल का समय दिया जाएगा। दरअसल लिफ्ट और एस्केलेटर का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कई विभागों के कोऑर्डिनेशन और बैठक हुई। ऊर्जा विभाग, आवास विकास, लोक निर्माण विभागों की समन्वय बैठक इस पर हो चुकी है। अभी तक के तैयार ड्राफ्ट को मुख्य सचिव भी देख चुके हैं। इसके प्रावधान के अनुसार किसी भी बिल्डिंग या सार्वजनिक स्थान पर लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होने के साथ ही लिफ्ट लगाने के बाद भी बताना होगा कि जितने भी नियम है उनका पालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।